गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको ये रिवीजन कराऊंगी। इसी तरीके से आपका यूनिट टेस्ट में पेपर आएगा इसी तरीके से। तो आप सबसे पहले कॉपी में नेम, क्लास और रोल नंबर को लिखेंगे और वर्ड के साथ मीनिंग लिखेंगे। इसकी हिंदी मीनिंग नहीं लिखनी है, वर्ड के साथ इसका मीनिंग, चार्म का अट्रैक्शन लिखना है और इसकी हिंदी मीनिंग नहीं लिखेंगे। आप टिक द करेक्ट को पूरा लिखेंगे और इसका आंसर जो है वो लिखेंगे। इसके बाद जो सही है वो बॉक्स में टिक कर देंगे आप। इसी तरीके से दोनों टिक द करेक्ट हैं। क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसको और इसके बाद इन दोनों के आंसर कॉपी में लिखेंगे। और ये ग्रामर से है, इसको क्या करना है, चूज द करेक्ट प्लूरल, हाँ इसमें इसका प्लूरल लिखेंगे आप इस तरीके से। इसको यहां पर लिखना है जो प्लूरल सही है, इसमें से जो प्लूरल सही है उसको यहां पर लिखेंगे आप। इसमें देखिए, इसमें जो भी प्लूरल सही है इसको यहां पर फिल कर देंगे और इसमें पजेसिव नाउन लिखना है तो इसको यहां पर पहले इसको भी पूरा आप लिखेंगे और उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। इसको पहले पूरा लिखेंगे, इसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। और इसी नंबर पर आप सभी बच्चे ये जो रिवीजन टेस्ट है वो सेंड करेंगे मुझे। थैंक यू एवरीवन।